फाइनली गाइस आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ जियोफोन नेक्स्ट, जो कि हम लोगों को जो काफ़ी दिनों से जो है इसका इंतज़ार था। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि सात जियोफोन लेकर आ चुका हूँ। तो इसके जो क्या फीचर्स है, ये आप लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं, इसका फैसिलिटीज़ क्या है, ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिट होगा कि नहीं, सब कुछ डिटेल से बताऊँगा, फीचर्स दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट बने रहे, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बिना टाइम के भाई आज के जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैमरा को मैं इधर लेकर आता हूं और इसके जो फीचर्स है, इसके जो बग्स है और इसके साथ क्या क्या आता है वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जियोफोन का जो बक्स है कुछ इस टाइप का है, जियोफोन नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटेड विद गूगल। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है, ये जो ब्लू कलर में होने वाला है जियोफोन नेक्स्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ साथ आप लोग को इस मोबाइल में माई जियो प्ले स्टोर और कॉल वगैरह, क्रोम कैमरा और गूगल असिस्टेंट वॉइस, इसमें आप लोगों को गूगल असिस्टेंट वॉइस मिलता है और आप लोग देख सकते हो ऊपर LTE लिखा हुआ है। तो गाइस कुछ इस टाइप का है। तो मैं आप लोगों को पीछे वाला जो चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप लोग जो छोटा वाला जियोफोन है उसमें जो फीचर्स देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ वो सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ वही है, जैसे कि आप लोग 600 से प्लस ज़्यादा जियो टीवी में मतलब चैनल्स देख सकते हो और सिनेमा देख सकते हो और साथ ही साथ 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो जियो सावन में गाना सुन सकते हो और जियो गेम्स। गाइस इसमें जो है आप लोग जो है इस मोबाइल में जियो गेम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से खेल पाएंगे। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आप लोगों को माई जियो दिया गया है और गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, तो इसमें आप लोग गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलता है, यूट्यूब देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट और साथ ही साथ रीड अलाउड, जो कि है आप लोगों का आप अपने लैंग्वेज के आप जो भी लैंग्वेज में आप मतलब बोलते हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से आप यहाँ पर ये जो मोबाइल है बोलेगा। मतलब अगर आप तमिल है तो इस मोबाइल को अगर तमिल में सेट करते हैं तो जो तमिल में जो भी आप बटन प्रेस करेंगे, मतलब जो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो वो जो तमिल में बोलने लगेगा, आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से ये बोलेगा। और आप लोग देख सकते हैं ट्रांसलेट भी यहाँ पर, अगर आप लोग अंग्रेजी में लिखा हुआ है कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो जो अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा ये मोबाइल। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कैमरा ग्रेट फोटोज़ इवन एंड नाइट, और इसके जो कैमरा क्वालिटी है जो नाइट का कैमरा क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जियोफोन नेक्स्ट और बहुत सारे ऐप जो है यहाँ पर आप लोग इन्जॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर जियोफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो उसकी बात करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5.45 HD प्लस स्क्रीन जो है दिया गया है, जो कि 7:1440 रेजोल्यूशन है। और यहाँ पर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा जो बैक कैमरा है वो दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा दिया गया है। और साथ ही साथ बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आप लोगों को 3500 mAh की बैटरी दिया गया है डुअल सिम के साथ। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है 2GB रैम 32GB रोम के साथ। और यहाँ पर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QM12 प्रोसेसर। अगर आप गाइस ये जो मेमोरी कार्ड इंटरनल मेमोरी कार्ड से आप लोगों को नहीं होता है, मतलब ज़्यादा मेमोरी कार्ड लगता है, तो उसके लिए आप लोग SD कार्ड लगा सकते हैं इस मोबाइल में। और यहाँ पर 512 GB तक जो है आप लोग मेमोरी कार्ड लगाकर इस मोबाइल को चला सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है आप यहाँ पर 3.5 mm की जैक भी लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइसेंस बाय क्वालकॉम, तो ये जो मोबाइल है क्वालकॉम बेस्ड है जो कि गूगल की तरफ से आता है यह मोबाइल। और यहाँ पर लिखा है आप लोग देख सकते हैं पर के गूगल प्ले प्रोटेक्ट यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। तो गाइस ये जो फ़ोन है आप लोगों को जो है EMI के हिसाब से भी ले सकते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, या यह मोबाइल अगर आप लोग कैश खरीदना चाहते हैं तो ये जो 400 में मिलेगा, और अगर EMI के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस मोबाइल को 2000 देकर ही जो है आप अपने घर में ले जा सकते हैं। गाइस अगर आप लोग ये मोबाइल 2000 में ख़रीदते हैं तो आप लोगों को जो है 3-4 प्लान देखने को मिल जाता है, तो वो प्लान का वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल में डाल चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं।
तो गाइस ये फ़ोन अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। गाइस मेरे हिसाब से जो ये जो जियो फ़ोन का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मतलब प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब थोड़ा अगर कम होता तो ये जो फ़ोन जो है मार्केट में मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ये सेल हो पाता। लेकिन गाइस अगर आप लोग ये मोबाइल जो है पसंद आता है तो परचेस कर सकते हैं। आप अपने जियो का जो स्टोर है नज़दीकी तो वहाँ पर जाकर आप लोग ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। आप लोग इसे ऑनलाइन jio.com में जाइए, वहाँ से भी ख़रीद पाएंगे। गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त जो है शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जियो फोन खरीद पाए और ले पाए अपने लिए एक नया जियो फोन। तो मैं मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।